हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस, कल के लिए सॉरी क्योंकि कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया था। एक्चुअली कल ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर हो रहा था, बट आज थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, तबीयत भी ठीक लग रही है। वो फीवर इस वजह से था कि हम ना बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए थे। मैं और जतिन भैया दिल्ली गए थे किसी काम से, तो उस वहाँ से आते में ना बारिश में इतना भीग गया यार, लगभग 1 से 1.5 घंटे हम भीगते ही रहे। बाइक पे आते आते हम भीगते ही रहे। भैया ने तो बोला रोक ले, कहीं पर रोक ले अंडर पास पे या वहाँ पे, बट मैंने कहा भैया अब तो भीगे हुए हैं, अब क्या रोकना, सीधा घर जाकर ही रोकेंगे। तो घर आके रात को थोड़ा सा फीवर आ गया, उसी की वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से व्लॉग नहीं बना पाए थे। बट टुडे आज हम व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन भी है। आज है जतिन भैया का बर्थडे, एंड आज हमारे घर पे गेस्ट आ रखे हैं हमारे भैसनव भाई साहब। तो मैं आपको मिलाता हूँ हमारे भैसनव भाई साहब से। तो गाइज, अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे स्ट्रॉन्ग मैन भैसनव भाई साहब से। भैसनव सर, हेलो, कैसे हैं सर? एक बार बॉडी दिखा दीजिए हमारे ये बॉडी बिल्डर भाई के साथ। फोटो ले लूँ भाई के साथ। चीज़। अब ना अंदर चलते हैं क्योंकि दीदी के साथ आ रखा है वैष्णव, तो सबसे मिलते हैं। कल तो मैंने किसी से बातचीत करी नहीं थी यार, ठीक है। आओ वैष्णव सर, मोक्ष कहाँ जा रहा है? दूध लिया फटाफट। तो मैं थोड़ा रूम भी दिखा देता हूँ, डेकोरेट हो चुका है, थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा नहीं। अभी ऊपर के हमें कैमरा वगैरह लगाना है, उसका सेटअप है, बाकी चादर वगैरह सब बिछा दिया, अपना बॉडी बिल्डिंग का सामान भी ठीक डेकोरेट कर दिया। इसको इधर कर दो, हमारा ट्राइपॉड। वैष्णव सर कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्ग मैन। चाय बना ले दीदी, बन रही है एक थैली। और माते क्या हाल चाल है? पूरे दिन पूरे क्या देख रहे हो? कौन है दिखाओ ना, कौन है कल दिखाओ तो सही। अरे कौन है दिखाओ तो। ओके लो देख लो। और जीजी तुम क्या कर रही हो? चोरी लाली लत्ता ने सिल रही हो? वहाँ किसने रखा मम्मी ये गमला? चलो सही लग रहा भाई, मुझे तो वैष्णव बढ़िया लग रहा, मैं बॉडी बिल्डर सा, पूरे जॉन सीना सा लगे कभी कभी, जिस जॉन सीना नहीं है, है ना भैंस वैष्णव जॉन सीना वैष्णव ये। तो गाइस नाश्ता करते हैं, छोले चावल, और यहाँ पे इनकी बातें चल रही है, हाँ हूँ पता नहीं क्या, वैष्णव की कॉपी कर रहे हैं सब। तो गाइस शाम हो चुकी है और दीदी डिनर बना रही है, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा शाम के टाइम ही शुरू करा है। जैसा कि आपको मैंने बताया जतिन भैया का बर्थडे है, तो मैं सोच रहा था इस व्लॉग में जतिन भैया का बर्थडे शूट करते हैं। भैया को हमने बताया नहीं है ना, और विश भी नहीं करा है, सबसे बड़ी बात यह है विश भी नहीं करा है, और ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि जतिन भैया का बर्थडे मैं भूल जाऊं या मुझे ध्यान ना रहे। लेकिन तबीयत खराब थी तो मेरे को वाकई में ध्यान नहीं था। फिर विवेक भैया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जतिन भैया का बर्थडे है, है ना। तो अब मैंने अतुल को बोल दिया है, केक लेकर आ रहा है वो, अतुल अनुभव। तो बस तैयारी करते हैं, एक एक रोटी खा लेते हैं, फिर चलते हैं भैया के बर्थडे में। तो गाइस केक लेकर आ चुका है अनुभव, और बस चल रहे हैं अब सीधा बुआ जी के यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं हम इसलिए। गाइस थोड़ा सा लेट हो गए यार, निकले तो एक्यूरेट टाइम पे थे, लेकिन पिज्जा बनवाने लग गए थे ना तो ज्यादा लेट हो गए, और पिज्जा भी ज्यादा बनवा लिया यार हमने ना, मतलब टाइम इतना लेट हो गया, पिज्जा ज्यादा बन गए, पर कोई नहीं भाई, अब फटाफट से चल रहे हैं। सही बैठे हो ना तुम लोग? पिज्जा पकड़ लेना कभी एक आध पैकेट गिर जाए, ठीक है। तो गाइस बुआ जी के यहाँ पे आ चुके हैं, अब अंदर चल रहे हैं और सरप्राइज देते हैं सबको। भैया हमें बाहर ही मिल गए हैं, ठीक है चलते हैं सरप्राइज। चलो सब चलो, मैं गेट लगा के आया। हैप्पी बर्थडे फूफा जी, फूफा जी हैप्पी बर्थडे, भैया हैप्पी बर्थडे, फूफा जी हैप्पी बर्थडे। ये कौन सा बर्थडे बन रहा है कमर दबा के?
अच्छा मालिश कर रहे थे हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया फूफा जी। कोई बात नहीं, 20 मिनट पहले पीछे कर दो। कहाँ है बुआ जी और शीनी? शीनी, ओ हैप्पी बर्थडे भाजी। नमस्ते। नहीं, नमस्ते भाजी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अंदर ही ले आओ, अंदर ही बाबू, अंदर ही ले आओ मोक्ष, अंदर ही ले आओ। हाँ इसके लग गए हो, गेट खोला ना आपने। ओके काटेंगे, हैप्पी बर्थडे। चलो बैठो, बैठो, काटो। बाबूजी आपका और फूफा जी का, पापा जी का भी ले लिया। मामी का ट्रांसफर रुका है ना, वो सेलिब्रेट करेंगे। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे, ऐसे मारने के लिए, ऐसे मारने के लिए। कैसे नहीं मारने? मार इसको, कोई नहीं मारेगा, चाकू मार दो। कैंडल लैग कर रहा है, कैंडल इधर दो मेरे को, कैंडल दो मामा को, कैंडल मत बोला। नहीं ऐसे नहीं, मैं तेरे पापा के फूफा के बच्चों का फूफा, ये ज्यादा सही है। है वैष्णव, पापा के फूफा के बच्चों का फूफा। चलो केक खाते हैं। कौन सा करूं? क्या जाओ मोक्ष? आपने खा लिया बोजी? पापी ने भी खा लिया। हाँ जी वीडियो बनाओ। अच्छा खुद तो खिला मोक्ष, तेज से तेज से। हंसी की आवाज आ गई तेज से ज्यादा तो। शीनू आपने खिलाया नानू को? हेलो करे भाई से, हेलो करो भाई से, हेलो करो। हेलो भाई, रास्ते में सबको पिज्जा बांटता हुआ है। इधर जो साइकिल वाले रिक्शे वाले आते ना, भैया ने बोल भी उससे 8 की दी थी इस बार, उसने पैकेट से। हाँ पैकेट से ही कर लिया। मम्मी वो अकेला रह गया बाहर का था। भाई मम्मी अपने आप ये लेके आया तो इसी को दो ना। हाँ गिफ्ट लेके आया बाबू, दे दो भाई। देखो बाहर से लेके आया है, जैसे बाहर से लेके आए थे। हाँ हट जाओ भाई, हट जाओ। हैप्पी बर्थडे, ओए कितना समझदार है, मतलब अकेला बाहर गया, बाहर से गुलदस्ता लेके आया देने के लिए। भाई कोने में रखा रहता है वहाँ, बड़ी मुश्किल से गया होगा ये। चलो भाई चलो, केक बाद में खा लेंगे ना, अभी चाप भी, मलाई चाप भी रखी, रुमाली रोटी भी रखी है अभी। मलाई भी हाँ लेके आया, रुमाली रोटी भी लेके आया था। मैं कहा आने वाले होंगे तो मलाई चाप रुमाली रोटी पैक करा के ले आए थे भाई। वो मुझे लगा दिए होंगे भाई, ऐसी बात नहीं है। दूसरा वो कहा है, दूसरी पॉलिथिन कहा है? बाबू किचन में से उठा ला, मलाई चाप और उड़ा दोगे रुमाली रोटी। भाई वैष्णव कह रहा है तो है, ये मलाई चाप पार्टी चल रही है। रोटी नहीं खोली भाई, रोटी ले लो। हाँ वैष्णव रुमाली रोटी भी खा ले बेटा, दिखाई ना। जतिन बाबू आप भी खा लो, अबे इसको भी बुला लो कोई। सीनू
हाँ इसने दूध पिया है अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले, आपके आने से 10 मिनट पहले पिया है। नहीं भाई नहीं, मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, केक कटिंग हो चुका है, अब चाय पीते हैं। बुआ जी चाय बना लो। क्या कर रहे हैं बोले जाना। तो गाइस सब कुछ हो चुका है, केक कटिंग, खाना पीना एंड लास्ट में चाय भी पी ली। तो अब इसी के साथ यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।